टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के लिए बीते कुछ महीने शानदार गुजरे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उनका जलवा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी जारी रहा। दरअसल शार्दुल ठाकुर गेंद से कमाल करने के साथ साथ निचले नंबर पर आकर टीम इंडिया के लिए जरूरी रन भी बना रहे हैं। शार्दुल ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में 30 रनों का अहम योगदान किया। उन्होंने अपनी पारी में 3 छक्के जड़े। उन्होंने बेन स्टॉक की गेंद पर आगे बढ़कर शानदार सिक्स भी मारा। सिक्स लगने के बाद स्टॉक शार्दुल का बैट चेक करने पहुंच गए, हालांकि दोनों इस दौरान हंसते हुए नजर आए। वहीं मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे शार्दुल ने पारी के 45वें ओवर की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाया। सिक्स लगाने के बाद स्टॉक हंसते हुए शार्दुल का बल्ला उठाकर देखने लगे। शार्दुल ने इस मैच में 21 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 3 छक्के भी शामिल रहे। वहीं शार्दुल ठाकुर ने कुणाल पांडे के साथ 7वें विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की। कुणाल पांडे ने 34 गेंदों पर 25 रन बनाए। ये साझेदारी शार्दुल के आउट होने से टूटी। उन्हें मार्कवुड ने बटलर के हाथों कैच आउट कराया। वहीं टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने सीरीज में लगातार तीसरी बार 300 से ज्यादा स्कोर बनाया। टीम इंडिया की पारी 48.2 ओवर में 329 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया ने सीरीज के पहले मैच में 317 और दूसरे मैच में 336 रन बनाए थे। LD Newsroom की रिपोर्ट।